के जाम्बा या भी जागे तो दूर बाबा धाम्बा दोस्तों, जैसा कि ये दिख रहा है कि हम लोग जा रहे हैं बॉल पर और अभी बस में बैठे हुए हैं। बस का नजारा आपको दिखा देते हैं। आवाज इतना नहीं आ रहा, वो हल्ला बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लगभग 2 बज गया है, ठीक है, भूख लग गया था तो हम लोग जो है उतर के होटल में ये खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आप वीडियो में बने रहना, आगे और भी सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। खा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखो गाइस, यहाँ पे जो है ये शीशा यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है। दरअसल यहाँ पे क्या हुआ ना गाइस, कि ये जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है लुकिंग ग्लास था, ठीक है। और वहाँ पे मोड़ पे क्या हुआ कि वो जो गाड़ी आया, दोनों तरफ से आया और दोनों तरफ से गाड़ी जो लड़ा ना, ये हमारा गाड़ी शायद खड़ा ही था लेकिन उसका जो गाड़ी है आके लड़ गया और शीशा तोड़ दिया। उसी के लिए पूरा यहाँ पे बहस हो रहा है कि मतलब शीशे का जो पैसा है कौन देगा, ठीक है। और अभी देखते हैं क्या होता है आगे में, मतलब कि मैटर तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो गया है। बोलबम दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है कि हम लोग जो है आ गए हैं यहाँ पे, और हम लोग जो है गाइस अभी हम लोग सुल्तानगंज आ गए हैं। यहाँ से अब जल उठाना है और जल उठा के फिर हम लोग जो है पैदल चलना स्टार्ट करेंगे, और जब तक देवघर नहीं पहुँचेंगे आपको दिखाते रहेंगे सारा रास्ते में क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल पर बने रहना, क्योंकि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोग हैं जल उठाकर मतलब कि पैदल चलना स्टार्ट कर दिए हैं, और यहीं पे गाइस कुछ किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानगंज और हम लोग का यहीं पे स्टॉपेज है, तो यहीं पे खाएंगे होंगे और उसके बाद जल उठाकर चलना स्टार्ट करेंगे। गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से जल उठाने, आप लोगों को दिख रहा होगा एक कावड़ ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से अभी जाएंगे जल उठाने और जल उठा के फिर आप लोगों से मिलते हैं, और आप लोग वीडियो में बने रहना क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ दिखाना है, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा हो कि यहाँ जो है कितना ज़्यादा भीड़ है और सभी लोग जो है जल उठाने के लिए जा रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बम। हम लोग निकल गए हैं तारापुर से, और यहाँ पे जो है 5 किलोमीटर चलने के बाद चाय पी रहे हैं। यहाँ पे है मेरे साथ पार्टनर में अभी, क्या नाम, विकास।
और चाय पी रहे हैं और दर्द को मिटा रहे हैं। इसके बाद फिर चलेंगे एक घंटा लगभग 5 किलोमीटर। बमलोक चाय ही एक ऐसा चीज़ है जिससे मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाता है, कुछ भी हो चाय पी लो सब कुछ ठीक। तो बमलोक जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग जो है कुमरसार आ गए हैं। हमारा गाड़ी जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये है विकास, ये भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, इतना दर्द कर रहा पाँव चलने में। और ये यहाँ पे सभी लोग जो है यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और ये आपको दिखाते हैं, ये इधर भी हमारा है और उधर भी हमारा है, दोनों जगह हमारा है। हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा हैं तो इसीलिए। और हम लोग और यहाँ पे चलने में सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है ना, देखो ये जो मेरा पाँव है यहाँ पे ये फोड़ा हो गया है। और ये फोड़ा जो है जब फूट जाएगा ना और भी ज़्यादा परेशान करेगा, इसमें जब बालू लग जाएगा तो चलने में एक जरा भी नहीं बनेगा और पूरा ज़्यादा जलन होगा। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, पाँव जो है ना ये नीचे से पूरा नरम हो जाता है और फूल जाता है। तो हम लोग जब भी आइए आप लोग प्रैक्टिस करके आइए पैदल खाली पाँव चलने का, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है कम दिक्कत हो। हम लोग जो है कुमारसार से निकलकर अभी यहाँ से जाएंगे सीधा टंकेश्वर में रुकेंगे और यहाँ बैठ के हम लोग जो है सभी लोग यहाँ पे चाय और पानी का मज़ा ले रहे हैं। एक बार जोर से सब बोल दो, चाय के साथ बोल बोल। चाय पिलो चाय। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा बाबा हम जा रहे हैं, जब बाबा के दरबार में जाएंगे तो क्या बोलिएगा बाबा से? बोल बाबा, बोलिए बोल बाबा, क्या कहना है बाबा के पास में जाके अर्जी लगाना है, कैसे बता दे क्या? बोल बम। हम लोग जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग जो है यहाँ पे जो व्याहूत कलवार सेवा समिति वहीं पे आके रुके हैं और यहाँ हमें रात भर रुकना है। उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग यहीं रहेंगे
उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग यहाँ से फिर यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हमारे जो हमारे साथ आए हैं वो लोग भी, और ये जो है हमारे साथ आए हुए हैं। और यहाँ पे आपको दिखा दें कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये भी है अनीश जी और बम लोग जो पैदल चलते हैं ना, वो लोग का देखो पाँव में क्या हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, फोड़ा मेरा भी पाँव में हो गया है, और चलने में इसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये दोनों पाँव में जो है फोड़ा हो गया है, ये देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, और इसके वजह से जो है चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जब भी आओ तो थोड़ा उस प्रैक्टिस कर लो खाली पाँव चलने का, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बम लोग। तो बम लोग हम लोग जो है लगभग 75 किलोमीटर पैदल चलकर आ चुके हैं, और हमें 40 से 45 किलोमीटर चलना है, जो कि हम लोग एक दिन में पूरा करेंगे। और हम लोगों का आज जो है दूसरा दिन है, और हम लोग और 40-45 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद जो है बाबा के दरबार में हम लोग पहुँच जाएंगे, और वहाँ का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में मोबाइल निकालेंगे तो दिक्कत हो जाता है। और बस आप लोग बने रहो वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब हम लोग आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो है बम लोग जो है काफ़ी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और पुण्य काम कर रहे हैं, और सभी लोगों का मालिश कर रहे हैं, जिनका पाँव में जो है दर्द हो गया। ये लोग बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम कर रहे हैं, और मेरा पाँव में भी जो है थोड़ा यहाँ पकड़ लिया था, तो सोचे कि यहाँ पे थोड़ा मालिश करवा लेते हैं, क्योंकि आगे फिर और भी चलना है, और मालिश वगैरह नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और हम लोग ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। यहाँ पे लोग जो है बहुत लोग आते हैं अपने इच्छा से पुण्य कमाने के लिए, और इसमें हम लोग जो भी अपने योगदान देते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा योगदान नहीं होता, हर योगदान जो है एक बराबर होता है, और सभी जो योगदान है वो पुण्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ये लोग मालिश कर रहे हैं, इन लोगों से बात करने से पता चला कि ये लोग का कोई गिनती नहीं है, ये लोग मतलब कि एक दिन में 200-300 इससे भी ज़्यादा जो है लोगों का मालिश कर देते हैं, और सच में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य काम है, ठीक है। और जिसके कारण इन लोगों का जो हाथ है, हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये लोग कभी भी अपने दर्द को मतलब कि ना दिखा के दूसरे का दर्द को पूरा मतलब कि मिटाने का कोशिश करते हैं, और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पुण्य काम है, ठीक है। हम लोग यहीं पे हम लोगों का खाने का व्यवस्था है, सभी लोग यहीं पे खाना खा रहे हैं, और हम लोग भी यहीं पे खाना खाएंगे। और ये आपको देख सकता है, ये हमारे बम बम जी है जो कि थोड़ा सा पुण्य का काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे सारा है व्यवस्था, पानी वगैरह है, मिनरल वाटर है, सारा कुछ है, और पीछे खाना भी बन रहा है एकदम फ्रेश, और पीछे भी चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एकदम ये देखिए, यहाँ पे लेडीज़ के लिए है पूरा व्यवस्था, यहाँ पे हरा सब्जी वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे खाना का पूरा ये देखो बन, पूरा खाना जो है यहीं पे बन रहा है, और यहाँ पे सभी लोगों को खिलाया जा रहा है, तो यही है व्यवस्था। अभी हम लोग प्लेट ले लिए, अब देखते खाना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। अरे एक टेबल लो ना इधर, आ रहा है लेके जाएगा।
ये क्या चीज़ है? आइए ना खाने वाला ही चीज़ देगा, आइए। वो तो खाने वाला ही दीजिएगा। कहाँ चले? हाँ हाँ हम लोग जो है यहाँ पे रात का खाना खा रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या है खाने में, सब्जी रोटी चावल चटनी सब्जी वगैरह सारा कुछ है। और खा रहे हैं यहाँ पे हमारे दो पार्टनर बम जो है, ये भी खाना खा रहे हैं और खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बोल बम लोग, हम लोग जो है ब्याहूस से निकल चुके हैं और अभी इनारा वन जो है पार करके 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं। यहाँ से जो है और 5.5 किलोमीटर जो है असम धर्मशाला, वहीं पे हम लोग रुकेंगे। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं दही जो ख़त्म हो गया है। और हमारे साथ ये साथी बम है, नाम उनका भूल गया, क्या नाम था, सौरभ नाम है, पत्रकार जी हैं हमारे साथ। और बहुत ही मज़ा आ रहा है चलने में, मौसम भी बहुत ही अच्छा सुहाना है, ठंडा मौसम है। अब इसके बाद सीधा असम जो धर्मशाला वहीं जाके हम लोग रुकेंगे और वहीं पे हम लोग खाना वाना खा के फिर शाम को चलेंगे। तब तक के लिए बम लोग बने रही वीडियो में। बम लोग, हम लोग यहाँ पर रुके थे असम धर्मशाला में। ये आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा असम धर्मशाला है, यहीं पर हम लोग खाना वाना खाएँ दोपहर का। और अब जो है कुछ देर यहाँ रुकने के बाद अब हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और सीधा बाबा धाम के नगरी में प्रवेश करेंगे। हम लोग जो है असम धर्मशाला से निकल गए। हम लोग तीन साथी अभी जा रहे हैं साथ में, बोल बम। और यहाँ से जो देवघर है वो लगभग 17-18 किलोमीटर है और हमें आज ही तय करना है रात तक में, और इसीलिए हम लोग इतना धूप में चल रहे हैं साथ में। पाँव बहुत ही ज़्यादा जल रहा है ना विकास बाबा? टेंशन नहीं है। बस सब कुछ भोले बाबा के ऊपर है। सबसे हुनर, सबसे हुनर में है रारू चाहिए सुन। हम लोग आ गए हैं यहाँ गोरियारी नदी में और आप लोगों को दिख रहा होगा कि पानी यहाँ पे है। गोरियारी नदी में हम लोग आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पाँव को बहुत ही आराम मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भुट्टा मिल रहा है। और गोरियारी नदी में चलते हैं फिर आपको और दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से पानी को एक जगह जमा किया जा रहा है मोटर के ज़रिए। बोल बम, यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो शूट भी कराते हैं। ये हम लोग जो है गोरियारी में आ गए, गोरियारी नदी में, और यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचेंगे। तो हम लोग गोरियारी नदी का ये नज़ारा है, ये देखिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा आराम मिल रहा पाँव को। हाँ, बोल बम, फोटो खींचना है ना अभी? बोल बम, हम लोग गोरियारी नदी पार हो गया है। ये देखिए अगल बगल का नज़ारा आपको दिखा देते हैं, कितना ज़्यादा भीड़ है। और अभी तो पाँव में बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, ये जो बालू बिछाया हुआ बहुत ही मोटा बालू यहाँ पे है, लग रहा पाँव छिल जाएगा इस तरीके का लग रहा पाँव में। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, अब हम लोग चलेंगे आगे अपने रास्ते में। तो बोल बम, बोल बम के नारा। आए हुए हैं।
तो हम लोग आ गए यहाँ पे झारखंड बॉर्डर। यहाँ पे देखिए आप लोग कितना मस्त बनाया गया है। हम लोग यहाँ पे मूर्ति जो है यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बम है, हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो बम लोग, आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा कि हम लोग जो है यहाँ पर अभी बाबा नगरिया घुस चुके हैं झारखंड में, और यहाँ से लगभग हमें और 3 किलोमीटर चलना है। और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बहुत ही तेज बारिश हो गया, जिस कारण हमें 1 घंटा से ज़्यादा रुकना पड़ा। और अब हम लोग जो है बाबा नगरी की ओर जा रहे हैं, और बारिश होने के कारण और भी मज़ा आ रहा है चलने में। मेरा अंध कासू प्राप्ति बाड़क मैं भी गल कासू कर गमन कटारी दियू अर काटले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तन सब बेरा है अंध काग तू तो। आखिरकार हम लोग जो है बाबा वासुकीनाथ का दर्शन कर लिए। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो कि हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा प्रसाद वगैरह खरीद रहे हैं। मुझे पता है आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको दिखा रहे कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैंने प्रसाद ले लिया है, और भी मेरे जो साथी है बम लोग वो लोग प्रसाद ले रहे हैं। और अभी जो है हम लोग चलेंगे यहाँ से, जहाँ गाड़ी लगा हुआ है वहीं जाएंगे। और बस हम लोग यहीं पे अपना जो ब्लॉग है इसको पूरा करते हैं, क्योंकि पाँव का जो हालत है बहुत ही ख़राब है, पूरा फोड़ा वोड़ा हो गया है। तो यहीं तक वीडियो को जो है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये देख लो व्यू।